दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। आपका समय, आपकी खबर और फिलहाल सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन की जो महा कवरेज एसके लाइव पर चल रही है, उसी के तहत हम सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 14 नंबर वार्ड इलाके में मौजूद हैं, जहां भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं माधवी मुखर्जी जी, वो फिलहाल पूजा करके आई हैं और अपना जो चुनाव प्रचार है उसको करने के लिए जा रही हैं। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके लाइव में। धन्यवाद। माधवी जी, पूजा करके, माँ काली के चरणों में पूजा करके आप फिलहाल अपने प्रचार के लिए निकली हैं, कोई खास वजह? हाँ, देखिए, हम लोगों में सनातनी में एक वो होता है, जैसे नींद से आँख खोले तो भगवान जी को याद करते हैं, शुभ काम करने के पहले हम लोग भगवान जी को याद करते हैं, तो ये एक शुभकामना है, शुभ काम करने जा रहे तो इसीलिए भगवान जी का, माँ का आशीर्वाद लेके हम लोग प्रचार के लिए निकलेंगे, इसीलिए यहाँ पर आना आज। अच्छा माधवी जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे बीते दिनों लास्ट जो इलेक्शन हुआ था कॉरपोरेशन में, 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भाजपा को आपके वार्ड में 442 सीट मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वहाँ से आपको क्या लगता है, पिछले बार की जीती हुई कैंडिडेट के साथ ही इस बार आपकी लड़ाई होगी, तो कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप, क्या लगता है? देखिए, लास्ट ईयर में मैं यहाँ पर, लास्ट ईयर में कार्यकर्ता हिसाब से हम लोग जो हम लोगों का जो संगठन है उस हिसाब से बहुत बढ़िया किया था, और इस बार मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे ये मौका दिया गया है, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। हम लोगों का जिला नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोग कृतज्ञ है, क्योंकि ये मुझे अवसर मिला है काम करने का, क्योंकि वर्कहोलिक मेरे में है, ये आप लोग सभी जानते हो, मुझे काम से और कुछ अलावा, काम के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो ऑलवेज हम काम करना चाहते हैं। तो माधवी जी, कॉन्फिडेंट कितनी है आप? 444 से आपको? भैया, ये वार्ड का मैं छोटी सी, ये वार्ड में मेरा पैदा हुआ जी। ये वार्ड मेरा सब कुछ का साक्षी है, मेरा चाइल्डहुड, मेरा सब कुछ ये वार्ड से शुरू हुआ, तो ये वार्ड का मैं घर का एक सदस्य हूँ, हर एक घर में मेरा अस्तित्व, मेरा पहचान ऐसा है, अपना घर का लड़की है, तो मैं एकदम 100% आशावादी हूँ। और देखिए, 100% कॉन्फिडेंट है माधवी जी कि इस बार इस वार्ड में आपको ही लोग प्यार देंगे। हाँ, एकदम। देखिए, ये वार्ड में जो जो सदस्य है ना, वार्ड का जो बासिंदा है जी, सबका एक ही, वो लोग का ना जो प्रॉब्लम आता है, तब कौन सामने रहता है, कौन उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस वक्त कौन उनके साथ होता है? एकदम उस टाइम में ना, रात 2 बजे 12 बजे एक कॉल खाली मुझे मुझे करता है, हम तुरंत भाग के चले जाता है। ये जो है ना, हम लोग का मैं बॉन्डिंग जो है ये वार्ड में मेरे से, ये बड़ी बात है आपके हिसाब से, ये बड़ी बात है। माधवी जी, आपको तो पूरे शहर में लोग दूसरे एक पहचान से भी जानते हैं, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं आप, बहुत सारे जो बच्चे रहे उनकी मदद के लिए आपने स्कूल बनाया, आम तौर पे महिलाओं की मदद के लिए भी बहुत कुछ किया है आपने, तो अचानक से ये सोशल एक इमेज से पॉलिटिकल इमेज की तरफ क्यों? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट एकदम बहुत दिनों से है, ये सभी जानते हैं, लेकिन सोशल वर्क आप तभी कर पाते हो प्रॉपरली जब आपका पॉलिटिकली एक सपोर्ट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन किसी का एक मान लीजिए कोई डिप्राइव है, जैसे एक लड़की, कुछ दिन पहले ऐसा घटना हुआ था, उसको साथ रेप हुआ था, उसका 3 महीना कंसीव किया था, तो उसके साथ उसको जस्टिस देने के लिए मुझे सपोर्ट लेना चाहिए था, मैं सपोर्ट लिया, फिर उसको जस्टिस मिला, तो ये इसीलिए, नहीं तो मेरे में देखिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर जो पीपल है, जनगण जो है 14 नंबर का,
सबको एक ही आम भाषा में अगर हम समझें तो आम लोगों की मदद करने के लिए ही आपने राजनीति में आने का मन बनाया। एक तमाम लोगों का मदद करने के लिए, जो ओल्ड एज जो पेंशन है वो नहीं मिल रहा है, जो क्या बोलते बेकार जो पेंशन है वो नहीं मिल रहा है, कुछ भी ये थोड़ा सा जो हम लोग का मोदी सरकार जो योजना बनाए वो भी नहीं मिल रहा है। ये मिलने के लिए इन लोगों का है, ये इन लोगों का हक का है, ये बोलने का भी कोई नहीं है, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। ये इन लोगों का हक देना है क्योंकि ये इन लोगों का पैसा से ही हुआ है। हम लोगों की आवाज बनेगी 14 नंबर वार्ड में माधवी जी, और पहले भी थी अभी भी हूँ। तो स्ट्रेटजी क्या होगी माधवी जी की, स्ट्रेटजी क्या होगी 14 नंबर वार्ड का? अपना वार्ड का लड़की माधवी, हमको माधवी बोल के ये वार्ड में खूब कम पहचानता है, मिठू मिस बोल के सभी जानता है, मिठू बोल के सभी जानता है। तो घर का लड़की को चाहते हैं, ये वार्ड का लड़की, ये वार्ड वो लड़की को चाहते हैं। माधवी जी ये ममता बनर्जी टाइप स्लोगन नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, किसी का टाइप नहीं, मैं अकेली हूँ। देखिए ये दृष्टिभंगी होता है, आप अपना नजर से पृथ्वी को देखते हैं, मैं तो अपना नजर से आपको नहीं देखूंगी ना, पृथ्वी को नहीं देखूंगी, मैं अपना नजर से पृथ्वी को देखूंगी ना, तो ये अपना नजरिया होता है। जैसे उन्होंने बताया कि वो अपना ममता जी को अपना देश का बेटी चाहिए थे, लेकिन 14 नंबर वार्ड में अगर हम ऐसा बोले गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि 14 नंबर का घर का बेटी, 14 नंबर का पीपल चाहता है, घर का बेटी को चाहता है, 14 नंबर वार्ड में जो है वो घर का, हम यहाँ पर जन्म हुआ है मेरा, यहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मेरा कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, तो अपना भूमि पुत्र हिसाब से, भूमि कन्या हिसाब से यहाँ का आदिवासी जो है, यहाँ का पीपल जो है मुझे चाहते हैं। ये पब्लिक का डिमांड से हुआ है, अपना जो बायोडाटा हम खुद नहीं दिया, पब्लिक का डिमांड से हुआ है, हमने यहाँ पर आए पब्लिक का डिमांड से, 14 नंबर वार्ड का पब्लिक का डिमांड से। तो माधवी जी अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नया साल भी है और आपका माध्यम से हमारा पूरा नगरवासी को तो नया साल का बहुत सारा बधाई भी देना चाहते हैं। कल यहाँ पर एक कल्पतरु यहाँ पर एक प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, सभी यहाँ पर आए, हम भी आएंगे, और सबको अगले साल का शुभकामना के साथ ये भी हम बोलना चाहते हैं कि ये 14 नंबर वार्ड में मेरा जो बड़ा जैठा जेठू काकी काकी माँ जो छोटा है भाई बहन सबके सब मुझे आशीर्वाद करें, सब मुझे प्यार दें, और आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे, और ये 14 नंबर वार्ड से हम जीत के उन लोगों का सेवा में अपना टाइम देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये बात कर रहे थे हम माधवी मुखर्जी से, जो भाजपा की उम्मीदवार हैं 14 नंबर वार्ड से। कॉरपोरेशन इलेक्शन की महा कवरेज एसके लाइव पर अभी भी चल रही है और आगे भी तमाम इलाकों के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे, उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे, किन सोच के साथ, किन विचारों के साथ वो आपके पास आने वाले हैं ये आपको पहले ही बताते रहेंगे। लगातार ये बड़ी कवरेज देखते रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज़ अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।